मैं बना रही हूँ परवल की सब्जी। इसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्च लिए, थोड़ा लहसुन लिया है, और ये है परवल। तो मैं अभी इसको काट रही हूँ, इसको इसकी 4 फाड़ी करनी है ऐसे। ये देखो ऐसे करके ऐसे काटनी है इसको। ये देखो मैंने सब्जी काट ली है, ये लहसुन है, ये टमाटर है, और प्याज, हरी मिर्च, ये परवल है जो मैंने काट लिए। गैस ऑन, ये देखो गैस ऑन कर लिया मैंने, और ये रख देती हूँ पतीले में। पतीला गर्म हो गया है, मैं डाल देती हूँ इसके अंदर तेल। ये लोग तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है हमें, क्योंकि हम सूखी सब्जी बना रहे हैं। परवल की जो सब्जी होती है वो बिल्कुल सूखी बनती है भिंडी की तरह। तो ये मैंने तेल डाल दिया पतीले के अंदर। तेल गर्म हो गया, मैं डाल देती हूँ इसके अंदर जीरा। ये देखो जीरा भून गया, अब डाल देती हूँ प्याज। भून गया है मेरा, अब डाल देती हूँ ये लहसुन जो मैंने मेस कर लिया। ये देखो अब डाल देती हूँ मैं ये टमाटर। ये देखो टमाटर और प्याज मेरा पूरी तरह से भून गया। अब मैं इसके अंदर ये परवल डाल देती हूँ। ये देखो अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अब इसको 5 मिनट के लिए पकने देती हूँ। देखो ढक लगा दिया, अब इसको पकने देती हूँ। सब्जी को चेक करते हैं। ये देखो परवल की सब्ज़ी हमारी बिल्कुल पक चुकी है। अब हम इसके अंदर हल्दी और जो मिर्च मसाला वो डाल देते हैं। देखो ये डाल दिया नमक 1 चम्मच। अब डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, ये डाल दिया 1 चम्मच धनिया पाउडर, और ये डाल देती हूँ लाल मिर्ची। अभी इसमें 5 मिनट और लगेगी, अब लगा देते हैं इस पर ढक्कन। परवल की सब्जी मेरी रेडी हो गई है। अब मैं ये नींबू का रस इसमें निचोड़ देती हूँ। ये देखो तो ये बन गई मेरी परवल की सब्जी। तो प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे, सब्जी बनाने का जो तरीका वो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करो, और मेरा वीडियो सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो।